दिल्ली में हुए 9 साल की दलित बच्ची के साथ कथित रेप और हत्या के मामले पर कांग्रेस सरकार के बाद अब बीजेपी नेता भी बच्ची के इंसाफ के लिए आगे आए हैं। अमरोहा के सैद नगली में भाजपा समेत दलित वर्ग के लोगों ने कैंडल मार्च कर अपना गुस्सा जाहिर किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर फांसी देने की मांग की है। आपको बता दें कि रविवार की देर शाम को सैद नगली थाना कस्बे में बीजेपी जिला महामंत्री अभिनव कौशिक के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं और दलित वर्ग के लोगों ने दिल्ली में हुई शर्मनाक घटना से आक्रोशित होकर कैंडल मार्च निकाला, जिसमें बीजेपी जिला महामंत्री अभिनव कौशिक ने इस घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा कि बच्ची की आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च निकाला गया है। दिल्ली के अंदर एक मासूम के साथ दबिंदगी हुई है, गुड़िया नाम की बच्ची के साथ दबिंदगी हुई है, उसके साथ बलात्कार और उसकी हत्या हुई है। उसकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ आज कैंडल मार्च निकाला गया है। सभी दलित समाज के लोग और सभी लोग इसमें शामिल हुए हैं। सैद नगली नगर पंचायत के सभी लोगों ने शामिल होकर उसकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ 2 मिनट का मौन रखा है और मोमबत्तियाँ जलाकर उसको श्रद्धांजलि दी है। और हम सभी लोग, सैद नगली के सभी लोग, दिल्ली सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे दबिंदों के साथ उन्हें फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए और उन्हें जल्दी कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन लोगों पर होनी चाहिए। ऐसी हम दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार से मांग करते हैं। उस सरकार को जो मासूम बच्ची के साथ बलात्कार कर रहे हैं, उसे मौत के घाट उतार रहे हैं, ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। तो हम दिल्ली सरकार से मांग करते हैं कि उन्हें फांसी की सजा जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि जो भी इंसान मासूम बच्चियों के साथ इस तरह की हरकत करते हैं, उन्हें जीने का कोई हक नहीं है।